नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जिला कांगड़ा के धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए बोर्ड के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राज्य के अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तरह चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से बोर्ड के 750 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हिमकेयर जैसी योजनाएं भी शुरू की हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति धन के अभाव के कारण बेहतर चिकित्सा सुविधाओं से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में जितने भी हमारे कर्मचारी हम पर काम करते हैं, उनके जो सेवानिवृत्ति के बाद जो पेंशन धारक हैं, उनके लिए मेडिकल रिइंबर्समेंट, जिसको चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ जो है पहले 1/1/2005 से दिया जाता था, और ये लाभ वर्षों तक चलता रहा। लेकिन बीच में 2014 में, जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस वक्त बीच में एक निर्णय ले लिया कि यह सुविधा एजुकेशन बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जो पेंशन धारक हैं, उनको नहीं दी जा सकती, और उसके पश्चात इसको बंद कर दिया गया। धर्मशाला में बतौर मुख्यमंत्री जब से भी आना हुआ है, तो लगातार एजुकेशन बोर्ड के हमारे बहुत सारे कर्मचारी हमको मिलते थे। वो हमेशा इस बात के लिए कहते थे कि आदमी का स्वास्थ्य खराब आप ज़्यादा जो है वो सेवानिवृत्ति के बाद होता है, क्योंकि उम्र जब बढ़ती है तो दवाइयों का खर्चा भी बढ़ता है, और बात उनकी सही भी थी। ऐसी परिस्थिति में वो मांग करते थे कि जो 1/1/2005 से जो हमको एक सुविधा मिलती थी, जो प्रतिपूर्ति इसकी मेडिकल बिल की जो रिइंबर्समेंट होती थी, तो उसको फिर से बहाल किया जाए, उसको फिर से शुरू किया जाए। तो सारे मामले को एग्जामिन करने के पश्चात मैंने चेयरमैन एजुकेशन बोर्ड के साथ इस मामले में बात की। कुल मिलाकर के इसमें जो खर्चा जो आने वाला है, उसको भी हमने इवेल्युएट किया, कैलकुलेट किया, वो लगभग 1,61,00,000 के लगभग आता है। फिर उसके पश्चात मैंने इस बात को लेकर के भी बात की कि क्या ये संभव है कि एजुकेशन बोर्ड अपने संसाधनों के माध्यम से इसकी व्यवस्था कर सकता क्या। तो एजुकेशन बोर्ड ने इस पर अपनी सहमति प्रकट की कि हम इस खर्चे के वहन करने की स्थिति में हैं, अपनी जो हमारी आय है उसके अनुसार जो इसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। तो सारी बातों को सुनने के पश्चात हमने आज निर्णय लिया कि हमारी जो जितने भी हमारे जो स्कूल एजुकेशन बोर्ड के जो पेंशन धारक हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनको जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ जो है ये प्रदान किया जाएगा, और जिसमें लगभग साल का 1,61,00,000 के लगभग खर्चा आने की संभावना है, और इससे शिक्षा बोर्ड के 750 सेवानिवृत्त कर्मचारी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बोर्ड की उपलब्धियों और कार्यप्रणाली से संबंधित पुस्तिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज धर्मशाला में अपना कांगड़ा ऐप और अपना कांगड़ा हैम्पर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कांगड़ा हैम्पर में कांगड़ा जिला के विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों का संग्रह होगा, जबकि अपना कांगड़ा ऐप के माध्यम से पर्यटकों को कांगड़ा जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों का पता लगाने में सहायता मिलेगी और उनके लिए ये एक अनूठा अनुभव होगा। मुख्यमंत्री ने धर्मशाला से कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के लुथान में राधाकृष्ण गौ अभ्यारण्य का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया।
धर्मशाला के लोगों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार का पहला निर्णय 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने पर लक्षित था, जबकि दूसरा निर्णय बेसहारा पशुओं के लिए राज्य में विभिन्न स्थानों पर गौ अभ्यारण्यों और गौ सदनों के निर्माण का था। प्रदेश सरकार ने शराब की बोतल पर 1 रुपए का उपकर लगाने का भी फैसला किया है और इस धनराशि का उपयोग गौ अभ्यारण्यों एवं गौ सदनों के प्रभावी प्रबंधन एवं संचालन पर किया जा रहा है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने हाल ही में शिमला जिला के सुन्नी में 500 गायों को रखने की क्षमता वाला एक गौ अभ्यारण्य समर्पित किया। लुथान में गौ अभ्यारण्य में 1000 गायों को रखने की क्षमता होगी। राज्य सरकार गौ सदनों को प्रति गाय 500 रुपए प्रति माह प्रदान कर रही है ताकि उनके लिए चारे की उचित व्यवस्था की जा सके। उन्होंने राज्य के लोगों से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि मवेशियों को बेसहारा ना छोड़े और यदि कोई मवेशियों को सड़क पर घूमते हुए देखता है तो उसे गौ अभ्यारण्यों और गौ सदनों में भेजा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस गौ अभ्यारण्य की स्थापना 3,96,00,000 रुपए की लागत से की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न गौ अभ्यारण्यों में करीब 19,000 मवेशी हैं। आज धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से भेंट की। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने को कहा ताकि वे अपने क्षेत्र के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि ये लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को कई शक्तियां प्रदान की हैं। श्री जयराम ठाकुर ने संघ के सदस्यों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनकी सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1,067 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 232 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 778 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 42,07,041 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 39,53,439 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,52,293 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,34,761 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 13,591 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।